राहुल गांधी के लिए तालियां पीट रहे थे कांग्रेसी, तभी योगी ने कर दिया ऐसा काम, सोनिया गांधी भी रह गई हैरान, पूरी कांग्रेस में मच गई खलबली। जहां से खड़े होकर राहुल गांधी ने लिया था नाम, वहीं से अब योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐसा ऐलान, अयोध्या के साधु सन्यासी भी बोले जय श्री राम। आखिरी वक्त में मोदी शाह ने बुलडोजर बाबा को उतारा, 48 घंटे के अंदर पूरा समीकरण बदल डाला, योगी से पंगा लेना राहुल गांधी को पड़ा भारी। जब फेल हो गई अमित शाह की रणनीति, मोदी मैजिक भी पड़ने लगा कमजोर, दिल्ली से लखनऊ पहुंचा एक फोन और बुलडोजर बाबा ने शुरू कर दिया काम ताबड़तोड़। जिस हरियाणा से ललकार रहे थे राहुल गांधी, वहीं से योगी ने दिया ऐसा बयान, सुनकर सोनिया गांधी भी हैरान रह गई, कांग्रेस में मच गई भगदड़। मोदी शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि योगी ऐसा कर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाकर हरियाणा के चुनाव में उतारा है और सबसे पहले राहुल गांधी पर ही योगी टूट पड़े। योगी ने कहा है, जो लोग कहते हैं अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। हिंदुओं का अपमान करना, सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। 1926 में राम मंदिर तोड़कर गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुगल और अंग्रेज हिंदू धर्म संस्कृति का नामो निशान खत्म करना चाहते थे। जब भारत आजाद हुआ, पहली सरकार जिन बदनसीबों के हाथ लगी, उन्होंने भी भारत को गौरव के साथ नहीं खड़ा होने दिया। हरियाणा की जनता के सामने योगी ने दहाड़ते हुए कहा, जब 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने, 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनी, उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंदर 500 वर्ष की समस्याओं का समाधान हो गया। 140 करोड़ भारत के लोग खुश हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा इससे दुखी है। मोदी जब पहली बार 2014 में देश की पीएम बने, उस दौरान पूरे देश में खबर बहुत तेजी से चल रही थी कि कांग्रेस के नेताओं ने विदेशों में स्विस बैंक में अरबों रुपए रखा है। ये भी कहा जा रहा था कि मोदी सरकार आने के बाद वो पैसा भारत आएगा और देश के लोगों के बीच बांटा जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल बीत जाने के बाद भी स्विस बैंक वाला पैसा कहाँ है, इसकी चर्चा अब कम हो गई है। लेकिन एक बार फिर से विदेशों में स्विस बैंक वाले पैसे की बात कहकर विपक्ष में योगी ने हड़कंप मचा दिया है। इस बार योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर सीधे राहुल गांधी हैं। यूपी में अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं और लोकसभा में देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें उनकी पार्टी ने जीती हैं। लेकिन अखिलेश यादव से लेकर देश की स्थानीय पार्टियां भी राहुल गांधी के साथ ही आगे चलती दिख रही हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण पर अपनी अलग राय देते हैं, इल्हान जैसी भारत विरोधी महिलाओं से मिलते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने सीधे भगवान राम को टारगेट करके हिंदुओं पर हमला बोला, तो योगी आदित्यनाथ अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और ऐसा जवाब दिया है कि पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई है। सोनिया गांधी ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि योगी ऐसा भी बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में अपने चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहां किसी आम आदमी को नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज को और बिजनेसमैन को बुलाया गया था। राहुल गांधी के इसी नाच गाने वाले बयान पर योगी ने पलटवार करते हुए कहा है, जो लोग कहते हैं अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना स्टार प्रचारक बनाया है और इसे एक रणनीति के तहत किया गया है। अकेले योगी ही पूरे हरियाणा में विरोधी पार्टियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। योगी एक एक दिन में हरियाणा के अंदर 4-4 सभाएं करते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव के आखिरी वक्त में योगी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। योगी ने कहा है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया तो धारा 370 को दफन भी कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने रिश्तेदारी निभाने के लिए धारा 370 संविधान में जोड़कर कश्मीर को अलग स्टेटस दिया था, जिससे देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने हिंदुओं के सामने ऐसी स्थिति कर दी कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हरियाणा में योगी इस वक्त आक्रामक अवतार में दिख रहे हैं और खुलकर विरोधियों पर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी के दम पर बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि पिछली खट्टर सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। बीजेपी ने अपना सीएम बदल दिया और अब योगी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया है। योगी हरियाणा में कितना सरदार होंगे, अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।